बीते एक महीने से बॉलीवुड में एक के बाद एक दुखद समाचार सामने आ रहे हैं। पहले खबर आई कि इरफान खान हम सबको छोड़कर चले गए। उसके बाद खबर आई कि ऋषि कपूर भी इस दुनिया को अलविदा कह गए, जिसके बाद बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर वाजिद खान भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अब एक और खबर सामने आई है कि बॉलीवुड के यंग एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में धोनी का रोल निभाया था, वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। वहीं उनके जाने के बाद से कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जैसे कि उनके गले पर फांसी का फंदा लगाने की वजह से गोल निशान नहीं बल्कि वी का निशान है। इसी के साथ उनके होठ काले पड़े हुए थे। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के नौकर ने ऐसा बताया कि उन्होंने 10 दिन पहले से ही सबसे बातचीत कम कर दी थी और जिनको भी उन्हें पैसे देने थे उन्होंने उन सबको पैसे देकर ये कहा कि उनका अब किसी के ऊपर भी कोई कर्ज नहीं है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के जाने की खबर जब उनके परिवार वालों को दी गई तो उनके मामा ने साफ शब्दों में कहा कि सुशांत सिंह का गुजरना कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत दी गई घटना है। उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि उनका मानना है कि सुशांत कभी भी हार नहीं मानते थे, वो हमेशा हंसमुख रहते थे और हमेशा हर चुनौती को पार करने के लिए अपनी जी जान लगा देते थे। वहीं बात ये उनकी सही भी है क्योंकि हमने भी उन्हें हमेशा खुश और हंसते हुए ही देखा है। वहीं उन्होंने अपनी एक फिल्म में भी यही संदेश दिया था कि कभी भी अपनी ज़िंदगी से हमें हारना नहीं चाहिए बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी का डट कर सामना करना चाहिए। वहीं यहाँ सुशांत सिंह की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि सुशांत सिंह के पिता श्री कल मुंबई आएंगे और उनका दाह संस्कार करेंगे।